दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मिट जी, और इस वीडियो में हम देखेंगे सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2016 का भूगोल का प्रश्न पत्र सेकंड, क्योंकि पहला क्वेश्चन पेपर हम देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा है स्क्रीन पर एंड में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, देख लीजिएगा उन्हें। और जैसा कि आपको पता है, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहले दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, एक सिलेबस और उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं और इसके बाद वीडियो जो एक आएगा ज्योग्राफी का, उसमें सारा सिलेबस बता दिया जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन जो है सेम है, पांच प्रश्न करने होते हैं, आठ में से आपको पहला और पांचवा करना अनिवार्य है, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, आपके बचे छः क्वेश्चन हैं, छः में से आपको तीन क्वेश्चन और करने होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो होता है वो मैप से रिलेटेड होता है, उसमें जगह दी जाएंगी और आपको यहाँ पर फिल करनी होती है वो जगह। तो इस प्रकार से होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन का, पहले का पहला है ये, आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित सभी की स्थिति को अंकित कीजिए और अपनी QCA, ये पुस्तिका होती है जो लिखना होता है आपको, QCA पुस्तिका में इन स्थानों में से प्रत्येक का भौतिक, वाणिज्यिक, आर्थिक, पारिस्थितिक, पर्यावरण और साहित्यिक महत्व अधिकतम 30 शब्दों में लिखिए। तो ये सारे ही महत्व लिखने हैं आपको, भौतिक, वाणिज्यिक, आर्थिक, पारिस्थितिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक महत्व। तो पीर पंजाल का लिखना है, पीर पंजाल कहाँ है उसमें मेंशन करना है और लिखना है, पीर पंजाल का बताना है। उसके बाद इंद्रावती नदी है उसका महत्व बताना है 30 शब्दों में, और मेंशन भी करना है ये उसमें जो मैप दिखाया था उसमें। नाथुला दर्रा का भी बताना है, जोग प्रपात का बताना है, पुलिकट झील को मेंशन करना है, और कुडनकुलम को भी देखना है, नालंदा को भी आपको चिन्हित करना है, कुंद्रेमुख को भी चिन्हित करना है, और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी चिन्हित करना है, और फरक्का बैराज को भी चिन्हित करना है। तो ये काफ़ी सिंपल सिंपल से हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हो ही जाती है जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो। तो यहाँ पर टिक करके उसके बारे में कॉपी में आपको लिख देना है 30-30 शब्दों में लगभग उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले का बी जो क्वेश्चन है, हिमालय में नदी मार्गों के स्थानांतरण और नदी प्रवण जिसे रिवर कैप्चरिंग को स्पष्ट कीजिए, कहते हैं इसको रिवर कैप्चरिंग, इसको स्पष्ट करना है लगभग 150 शब्दों में। और तीसरा क्वेश्चन है पहले का ही, भारत के पड़ोसी देशों के साथ स्थानिक संबंधों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि सघनता की परिभाषा दीजिए और भारत में इसके प्रादेशिक वितरण पर, सॉरी, प्रादेशिक वितरण पर प्रकाश डालिए। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, भारत के जलवायु प्रदेशों के परिसीमन में वर्षा एवं ताप के स्थानिक प्रतिरूप की भूमिका पर, विशेषकर स्टेप के जलवायु, ये स्टेप जिसे बोलते हैं वही है, जलवायु प्रादेशीकरण का हवाला देते हुए विवेचना कीजिए। और जिन्होंने इस प्रकार के शब्दों के बारे में नहीं पता है, विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए, तो एंड में आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ जाएगा इन शब्दों के, अगर IAS बनना है तो इन शब्दों के अर्थ जानना बहुत जरूरी है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। इंपोर्टेंट टर्म्स है ये, इनके बिना ये क्वेश्चन हल नहीं हो सकते, क्योंकि आप लिख तो दोगे मान लो पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन किस प्रकार से लिखना है, क्या विवेचना का अर्थ क्या है, विवेचना का मतलब क्या है, आप उसके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखेंगे तो आपको 0 अंक मिलते हैं। इसी वजह से आपको कहते हुए लोग मिल जाएंगे कि हमारे नंबर कम आए हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों और उनकी प्रबंधन समस्याओं का वर्णन कीजिए। और दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, भारत की नई प्रौद्योगिकी नीतियों को समझाइए। और एक कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि जैसे पहला क्वेश्चन तो अनिवार्य है ही है, लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन करना है तो उसमें से एक करना नहीं, दूसरा क्वेश्चन का मतलब हो गया पूरा का पूरा ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना है आपको। तीसरे का पहला क्वेश्चन है, भारत के महत्वपूर्ण जीवीय संसाधन प्रदेशों की पहचान कीजिए तथा उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं 250 शब्दों में या फिर 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, उसके अनुसार आपको लिखने होते हैं ये। और तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में निर्जातीय असमानताओं की ओर इंगित कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, भारत के नवीकरणीय, जो इंग्लिश में टर्म्स दिया गया है, रिन्यूअल यानी नवीकरणीय संसाधनों के विकास का वितरण विवरण प्रस्तुत कीजिए। चौथे का पहला है, भारत में नदी जल परिवहन के विकास और प्रादेशिक विकास में उसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, भारत में आर्थिक विकास के पर्यावरणीय निम्नीकरण पर प्रकाश को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली मृदा के वितरण और कृषि में उनके विशिष्ट
उपयोग का वर्णन कीजिए। तो आज का खंड बी, ये पांचवा क्वेश्चन जो अनिवार्य करना होता है आपको, तो उसके अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। प्रत्येक जो है 150-150 शब्दों में आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में स्त्री पुरुष अनुपात के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो लोह व इस्पात संयंत्र औद्योगिक संकुल का एक उदाहरण है, व्याख्या कीजिए। तो वैसे ही ये जो शब्द आ रहे हैं, व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, ये सब वही मैं जो वीडियो बता रहा हूँ उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बिल्कुल। और तीसरा क्वेश्चन है इसका, गंदी बस्तियां किस प्रकार बन जाया करती हैं, उनके सुधार के लिए ठोस सुझाव दीजिए। बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं सेकंड पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक जियो पॉलिटिक्स में भारत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार के प्रतिरूप का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवा छठवे का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल में और भारत के उत्तर पूर्व प्रदेशों में मानव बस्तियों के वितरण के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, छठवे का भी, भारत में कृषि विकास में सड़क परियोजना की भूमिका को उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसाधन उपयोग पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ये सातवां क्वेश्चन है, सातवें का पहला क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति वितरण प्रतिरूप और समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य जनजातीय प्रदेशों तथा उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक विकास में प्रादेशिक असमानताओं के कारणों का परीक्षण कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका आठवां, आठवें का पहला क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए और ग्रामीण भूदृश्य एवं नगरीय पारिस्थितिकी पर उसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। आठवें का बी है आपका, भारत ने हरित क्रांति की उपलब्धि के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक लागत के रूप में भारी कीमत चुकाई है, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन का लास्ट, चीन भारत सीमा विवाद के उद्भव विस्तार और विवक्षाओं को स्पष्ट कीजिए। विवक्षाओं का मतलब है डिस्प्यूट जो हो रहा है भारत और चीन की सीमा विवाद से, उसको स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको इन 8 क्वेश्चन में से केवल और केवल 5 क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन ना आए घबराइए ना, बस इसके आधार पे आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, क्योंकि मैं इसी चक्कर में ये सीरीज चला रहा हूँ कि आप लोगों को सारे पेपर्स की जानकारी हो जाए, कौन सा पेपर में किस प्रकार से के क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको आप हल करने की किस स्थिति में आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है सुन के, तो इसी आधार पर मैं ये सीरीज बना रहा हूँ। और इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का पेपर, और इसका मैं आपको अलग से बना ही दूंगा सिलेबस, बता दूंगा सिलेबस। तो जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। जैसा कि कुछ लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं क्या इसके पैसे लगते हैं, तो नहीं, ये बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब के, ये यूट्यूब बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है। कुछ लोग हालांकि अलग अलग अपना प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं, वो एक अलग चीज़ है, उनके झांसे में एक तरह से ना है, वो बेचते हैं, उस पर आपकी राय अलग होगी, लेकिन हमारे यहाँ हमारे चैनल पर कोई ऐसा काम नहीं होता है। तो देखते रहें एग्जामिटी जी, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।